बहुत नमस्कार, जय हिंद। मैं जसवीर सिंह, डीडीसी काउंसलर पंचारी मोंगरी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस जो हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं अपने लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धीरे धीरे ज़िंदगी जो है फिर से पटरी पे जो है वो दौड़ने लगी है, और अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको और तेज़ किया गया है। आज ज़्यादातर जो है वो बाज़ार खोले गए हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि अपना ख्याल रखें और कोरोना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। दूसरा, हमारी ओर से कोशिश जारी है, पब्लिक के जितने भी ग्रेवियांसिस हैं, उनकी जितने भी क्वेरीज हैं, उनके जितने भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश हमारी ओर से जारी है, समूचे पंचायती राज की ओर से जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो भी इशू जिनको फास्ट ट्रैक पे जो है वो एड्रेस किया जा सकता है, हमने उसकी कोशिश की है। यहाँ तक फिलहाल जो है वो बिजली और पानी और रोड, जो दो तीन बड़े मुद्दे हैं जिनको जो है वो जल्दी एड्रेस किया जाना है। जहाँ तक रोड का सवाल है, हमने पिछले कुछ समय में जो है वो काम को तेज़ी दी है, और हर दिन के साथ जो है मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इसकी प्रोग्रेस देखता हूँ। हमारी कोशिश जारी है कि साल के अंत तक जो है वो इस पूरे पंचारी मोंगरी क्षेत्र के अधिकतर रोड जो है वो पब्लिक को सौंप दिए जाएँ ब्लैक टॉपिंग के बाद। और उसके बाद जहाँ तक बिजली का सवाल है, तो हमने जो है वो जहाँ तक इसकी रिपेयरिंग हो सकेगी, हमारी जितनी भी लाइनें हैं हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ज़्यादा स्टेबल करेंगे। पानी का जहाँ तक सवाल है, इस टाइम जो हमारे पास ढांचा मौजूद है हमें उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा, जब तक जल जीवन मिशन के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं उनके लिए जो है पैसा आना नहीं शुरू होता। फिलहाल जितनी भी पाइपलाइनें जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो थोड़ा सा रिपेयर करके उनको रिस्टोर किया जाए। कुछ काफ़ी दिनों से बंद हैं, और मैंने पर्सनली तौर पर भी इसको मॉनिटर किया है। और जहाँ तक लड्डा का क्षेत्र है या फिर गलियोत का क्षेत्र है, या जितने भी दूरदराज के हमारे क्षेत्र हैं, कल मैं बरियोत भी जाऊँगा, तो जो जितने भी दूरदराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट खुद पहुँच रहा है, और हमारी ओर से कोशिश जारी है कि इसको हम जल्दी रिस्टोर करें। एक और ख़ास चीज़ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैं कहना चाहूँगा, जब से आप सब ने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका दिया है, मैंने ये कोशिश की है कि जो है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम जो है वो चीज़ों को आगे लेके जाएं। और आज जो है एक पंचारी मोंगरी जो है वो एक यूनाइटेड रूप से मुझे लगता है कि आगे बढ़ रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो एकता है ये बनी रहे। लेकिन एक बात का मैं आज आप सबको दोबारा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी इशू किसी भी विभाग से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंधित हो, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित हो, या और कोई भी ऐसा मुद्दा जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो, यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट हो, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आम पब्लिक को विश्वास में लिए बिना, हमारे जो पंचायती राज के सहयोगी हैं उनको विश्वास में लिए बिना, और समूचे क्षेत्र को विश्वास में लिए बिना ना ही कोई निर्णय लिया जाएगा और ना ही कोई रिकमेंडेशन दी जाएगी। ये मेरा आप सबसे वादा रहा, और मैं पहले भी इसको लेके कमिटेड रहा हूँ कि अगर कोई भी बड़ा फैसला करना है जो इतने बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता हो, तो वो आम जनता और हमारे जो पंचायती राज के जितने सहयोगी हैं, जितने हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो कुल मिला के हम साथ मिलकर वो निर्णय करेंगे। और कुछ मुद्दे हैं जो फिर से थोड़े दिनों में उठेंगे, और मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर आपका प्रतिनिधि होने के नाते मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सबके साथ राय कायम करने के बाद ही उस पर या तो कोई रिकमेंडेशन दूँ या उस पर कोई फैसला लूँ। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि आप सबका बहुत बहुत सहयोग चाहिए, और क्योंकि कई बार जो होता है, हर एक जो चेयर है, एक जो सिस्टम है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो कई बार थोड़ा सा कुछ वर्सेस जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ थोड़ा सा आप धैर्य और विश्वास बनाए रखें और हमारा सहयोग करें। पिछले कुछ दिनों में टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, काफ़ी जो है वो टूरिज्म टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरी अभी मेरी मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमारा क्षेत्र है, जितने भी हमारे इलाके हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है, मैं चाहता हूँ कि एक तरफ अगर वो जाए तो यहाँ से गलियों तक जाए, और दूसरी तरफ अगर वो जा रहा है तो यहाँ से जो है वो आगे बरियों तक जाए, लड्डा तक जाए, और उसके लिए जो भी आधारभूत ढांचा है, चाहे हमारे PWD के डाक बंगले हैं, टूरिज्म हट्स हैं, उसके साथ साथ जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है, वाटर फैसिलिटी है, हमारी कोशिश जारी है, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और अगले कुछ ही दिनों में हमारी तरफ से यही कोशिश है कि हम जो जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है हम उसको जो है वो रीस्टोर करके इनके लिए खोलेंगे, ताकि टूरिस्ट को पूरे इलाके में जाने का जो है वो मौका मिले, और उससे जो जितना भी हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं अक्रॉस पंचारी मोंगरी, उनको बेनिफिट मिले। यहाँ मेरा आपसे एक निवेदन है
कि टूरिज्म की बढ़ोतरी के लिए मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो भी सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं, डेफिनेटली उसको हमारी सपोर्ट मिलेगी और उसकी सक्सेस की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चाहे वो आपकी होटल इंडस्ट्री है, चाहे आपकी कोई भी इंडस्ट्री है जिसको आप खड़ा करना चाहते हैं, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी मोटी जो आप जो होम स्टे के लिए आप बनाते हैं, चाहे वो कोई छोटा मोटा बिजनेस है, कलाड़ी का बिजनेस है, पनीर का बिजनेस है, फिर जो लोकल फ्रूट है उसका बिजनेस है, कोई लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसका बिजनेस है, मेरी ओर से ये प्रॉमिस रहा कि पूरी सपोर्ट मिलेगी और इसके जो आपका जो बिजनेस है उसकी सक्सेस की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो मेरी है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, नैतिक गारंटी मैं लेता हूँ, कोशिश करेंगे आपको पूरी सपोर्ट देने की। बट एक खास रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि जब बाहर का कोई टूरिस्ट आता है तो उसको हमें पूरा सम्मान देना है, उसकी पूरी सपोर्ट करनी है, उसकी पूरी हेल्प करनी है और किसी भी तरीके से सिचुएशन को जो है वो उसका गलत फ़ायदा उठाने का कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर एक बार मान लीजिए हमने गलत फ़ायदा ले भी लिया उसका, तो दोबारा वो वापस नहीं आएगा और शायद कईयों को संदेश देगा कि पंचारी में यह जगह तो ठीक है लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वहाँ लोग लूटते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी कोई ना कहे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ नई शुरू करनी है, नए काम शुरू करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारे पास आज फैसिलिटी नहीं है लेकिन हमारी जो एक तरह से जो अवगत है, जो हमारी जो हम स्वागत करने का हमारा तरीका है वो बहुत बेहतर है, बस हमें ये करना है कि उनका जो है वो फुल सपोर्ट और सम्मान के साथ जो है उनको उनका वेलकम करना है और उनसे कहना है कि काइंडली आप फिर विजिट करें। और अगर आज वो यहाँ फॉर एग्जांपल आज सांकरी विजिट करते हैं, कल पंचारी विजिट करते हैं, फिर हम उनसे कहेंगे कि आप लांदर भी विजिट करिए, आप मोंगरी विजिट करिए, आप लड्डा जाइए, गोरीमिती जाइए, आप लाली दपड़ जाइए, आप लाली जाइए, मतलब जितने भी हमारे इलाके हैं, आप कसूरी जाइए, पंजर जाइए, हमारे वहाँ सरदबड़ है, नीचे ऊपर सरोड़ीता है, इधर समतल देवता है, बाबा सबोर है, बाबा शंखपाल है, तो कुल मिला के हमारा जितना भी क्षेत्र है हमारी कोशिश रहेगी कि उनको जो है वो टूरिस्ट जो है उनको नई नई डेस्टिनेशन दिखाना, ताकि वो नए नए लोगों को आकर्षित करें। पर इसके लिए आप सबका बहुत सहयोग चाहिए होगा और ये ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसी एक तरह से यूँ समझिए कि कैसा प्रोसेस है, यहाँ मिल के चलना पड़ता है, यहाँ कोई जो है वो किसी का व्यक्तिगत हित नहीं है, ये सारे इलाके का हित है। और अंत में मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि इस पंचारी मोंगरी जो हमारा क्षेत्र है, इससे जुड़े हुए कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, बिना आम पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना कंसर्निंग जितने भी हमारे सरपंचीज हैं, जो बीडीसी चेयरमैन्स हैं, जितने हमारे पंची हैं और जितने हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने हमारे यहाँ के जो अनुभवी लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन या निर्णय नहीं लिए जाएंगे जिसका खामियाजा भविष्य में पब्लिक को भुगतना पड़े, इसका विश्वास मैं दिलाता हूँ। खास करके जो नई युवा पीढ़ी है उसको भी हम मुख्य तौर पर कॉन्फिडेंस में लेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना का जो है वो टीका जो है वो जरूर लगवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।